बच्चों आज हम क्लास 11th की टॉपिक सेट स्टार्ट कर रहे हैं। सेट होता क्या है? सेट एक ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है, किसी भी चीज के ग्रुप को हम सेट कहते हैं। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ तीन सेट लिया है, सेट ए, सेट बी एंड सेट बी टू। पहले सेट में जो मेंबर हैं, जो उनके एलिमेंट है, जो उनके सदस्य हैं, उन वो हैं 1, 2, 3, 4। उसी तरह सेट बी को देखिए, ये जो सेट बी में जो एलिमेंट है वो है FMSD। और उसी तरह सेट बी टू को देखिए, उसमें जो एलिमेंट है वो है AEIOU। तो ये सब सेट हैं और ये सब अलग अलग एलिमेंट रखे। सेट की एक बात, एक या दो बात आपको ध्यान रखना है। पहला कि सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखना है। ये देखिए, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही रखना है। और सेट के एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेट में एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखते हैं। अगर आपने दो बार लिखा तो वो सेट गलत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। दूसरा पॉइंट, हम लिखने से एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाते हैं और किसी भी एलिमेंट को दो बार रिपीट नहीं करते। तो इस तरह हम सेट लिखते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करोगे तो इसमें ये कॉन्सेप्ट काम आएगा कि जो भी ग्रुप हो ना वो मीनिंगफुल हो, मतलब उसका ग्रुप बनना चाहिए, स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो सेट बने। जैसे आप जब एक्सरसाइज करोगे तो उसमें क्वेश्चन है कि आप एक सेट बनाइए जिसमें इंडिया के बेस्ट 10 क्रिकेटर का नाम लिखिए। अब एक्चुअली ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? क्योंकि इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग, हर आदमी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। हो सकता है 90% लोगों को सचिन तेंदुलकर उस टीम में होगा, पर हो सकता है 10% लोग उसको ना रखे। तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद की 10 बेस्ट 10 बुक का नाम लिखिए, सेट बनाइए। भाई मुंशी प्रेमचंद की जो 10 बुक का सेट बनाना, वो सबके हिसाब से अलग अलग होगा। सब अलग अलग सेट बना देंगे तो वो भी सेट डिफाइंड नहीं, ऐसा जो वेल डिफाइंड नहीं हो वो सेट नहीं होता है। तो ये सेट के बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब चलिए हम आते हैं सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखेंगे। देखिए सेट को ना दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो दो तरीका जो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए जरा आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पहला जो तरीका है ना सेट को लिखने का, वो है रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म। ये जो है रोस्टर फॉर्म होगा। और दूसरा जो तरीका है सेट को लिखने का, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या है? डायरेक्ट आप एलिमेंट को लिख दो सेट के अंदर, तो वो होता है रोस्टर फॉर्म। नहीं समझे तो ये देखो, ये जो मैंने तीन सेट लिखा है, ये जो मेरा तीन सेट है, ये तीनों में क्या है, डायरेक्ट एलिमेंट पता है कौन है, लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 सेट एक एलिमेंट है, FMSD सेट बी के एलिमेंट है, AEIOU सेट बी टू के एलिमेंट है। तो हमें पता है कि इस सेट में कौन कौन से मेंबर हैं, और इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब तो रोस्टर फॉर्म में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट हम वो नहीं लिखते हैं, क्या एलिमेंट नहीं लिखते हैं, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, हम एक स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को भी कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। पहली चीज, सेट बिल्डर फॉर्म एक स्टेटमेंट होता है, और उस स्टेटमेंट को भी हम कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, और वो भी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, पर वो मेंबर डायरेक्ट नहीं होता, वो स्टेटमेंट के थ्रू होता है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, एक्स पढ़ते कैसे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्स डबल डॉट जो लगा उसको पढ़ते हैं सच डेट एक्स
such that is a vowel in the English alphabet. अब आपको सेट बी में ऐसे एलिमेंट रखना है जो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल हो, और जब आप उसको बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? अभी अभी देखो, अभी अभी जो हमने सेट लिखा है ना बी टू, देखो ये सेट बी टू दिख रहा है, ये सेट बी टू, ये क्या है? ए आई ओ यू, यही तो है वो सेट। ये किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। और अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा ये स्टेटमेंट। चलिए मैं इसको आपकी सुविधा के लिए एक बार लिख देता हूं। बी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम सीधे लिख सकते हैं ए ई आई ओ एंड यू, ये डायरेक्ट हो गया रोस्टर फॉर्म में सेट बी को लिखना। और अगर हम सेट बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो ये स्टेटमेंट है। पढ़ेंगे कैसे? एक्स सच दैट इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको स्टेटमेंट को पढ़ के हम ये सेट बी को लिख देंगे। उसी तरह सेट ए देखिए, एक्स सच दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन फाइव। अब नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है, 1, 2, 3, 4, 5 जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 से, वो नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि भाई 5 से छोटा लेना है, तो सेट ए को कैसे लिखोगे? देखो सेट ए को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इस तरह आपका ये सेट तैयार हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो सेट होता है ना, सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला कि मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जिससे कि आपका एक्सरसाइज 1.1 हो जाए। आगे सेट में मैं पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ सेट क्या क्या होते हैं। पहले देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को। जैसे ए जो है सेट बी में बिलोंग कर रहा है, तो ए इज द एलिमेंट ऑफ और बिलोंग टू, ये साइन हम यूज करते हैं, ये साइन बिलोंग टू बी। या फिर हम लिख सकते हैं आई इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, या हम बोल सकते हैं आई बिलोंग टू बी। उसी तरह हम लिख सकते हैं टू बिलोंग टू ए, तो हम कैसे पढ़ते हैं लिख दे रहा हूं मैं, टू बिलोंग टू सेट ए। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह हम लिख सकते हैं इसको ए, ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, मीन्स ए बिलोंग टू सेट ए। सॉरी सेट बी, मैंने यहां पे ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। इस तरह आप चीजों को लिख सकते हो। और ये जो साइन होता है बिलोंग टू ए या एलिमेंट ऑफ ए। और अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट हो जो उसका मेंबर ना हो तो उसको कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए सेट ए में 6 नहीं है, तो 6 इज नॉट बिलोंग टू ए। तो आप जब ये साइन लिखोगे तो इसमें क्या करोगे, क्रॉस लगा दोगे। जैसे 7 नॉट बिलोंग टू सेट ए। उसी तरह हम बी के लिए क्या लिख सकते हैं, के नॉट बिलोंग टू सेट बी, के नॉट बिलोंग टू सेट बी। तो इस तरह से हम बताते हैं या सिंबल देते हैं कि कौन मेंबर एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो ये तो जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था फॉर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के लिए। इतने कॉन्सेप्ट से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब मैं जो दूसरा वीडियो बताऊंगा उसमें टाइप ऑफ सेट पढ़ाऊंगा, एक्सरसाइज 1.2 के लिए पढ़ाऊंगा, राइट। और अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करें, बताएं और क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी बताएं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो।
मैं आपको पूरा क्लास 11 पढ़ाऊंगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, और जो भी आपको लगता है कि और पढ़ना है तो आप उसको कमेंट करें। थैंक यू।